हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे FM वर्सेस SBD के बीच में जो अगला T20 का मैच होगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए नजर आएंगे, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लीट 4 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों, और किसे आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें, साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों यहां पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हो जाएगा। दोस्तों इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा, अगर कोई भी चेंजेस होता है तो एक बार जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक शेयर कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं दोस्तों पहला कमेंट पर लिंक आपको पिन कर दिया है, आप क्लिक करके ईजी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टैट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मैच है ये 10:30 में ये मैच आपको देखने को मिलेगा, रात 10:30 में, और ICC अकेडमी दुबई में ये मैच होने वाला है। हाई स्कोरिंग पीछे दोस्तों, बल्लेबाजों को काफ़ी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलता है इस ग्राउंड पे, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, लगभग 180-200 के आसपास एक एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएंगे। FM की जो टीम है 2 मैचेस खेला है, पहला मुकाबला 190 का टारगेट इन्होंने दिया था जो कि PAG की टीम चेज नहीं कर पाए थे, पहला मुकाबला FM की टीम ने दोस्तों यहाँ पे विन करा है। सेकेंड मैच में अगर आप देखोगे 216 का टारगेट दिया था, 216 में यहाँ पे 117 रन तक ही चेस कर पाए थे MEM की टीम। दो मैचेस MEM यहाँ पे FM की टीम ने खेला है, दोनों मैच दोस्तों यहाँ पे विन करते हुए आए हैं। लेकिन SBD का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे दोस्तों, ये नया टीम रहने वाला है, फिर भी दोस्तों मैं सारे प्लेयर्स का T20 का यहाँ पे रिकॉर्ड शेयर करूंगा, जिसके मदद से दोस्तों आप इस मैच के अंदर बेहतर से बेहतर ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम आप बना पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे FM की टीम के बारे में, क्योंकि FM के दोस्तों यहाँ पे 2 मैचेस हो चुके हैं। पहले यहाँ पे रोहन मुस्तफ़ा की बात करते हैं, टीम के कैप्टन है, ओपन करेंगे। पहले मैच के अंदर 3 रन बनाए थे, 4 ओवर की गेंदबाजी में कोई विकेट इनको नहीं मिला था, फिर 86 रन बनाया हुआ है, यहाँ पे 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, 1 विकेट निकाले हैं। रोहन मुस्तफ़ा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा, क्योंकि ओपन करेंगे प्लस आपको गेंदबाजी भी करते हुए दिख जाएंगे, तो इनको आप अपने टीम के अंदर कैप्टन के लिए भी ले सकते हैं। यासिर कलीम फर्स्ट राउंड पर खेलेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 4 रन, दूसरे मैच के अंदर 69 रन स्कोर कराया दोस्तों, ये टीम के टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, इन दोनों प्लेयर को अपने टीम के अंदर जरूर से जरूर ट्राई करना। बाकी शोएब की बात करेंगे तो 5 नंबर पे खेलते हुए 10 रन स्कोर करा है। आसिफ खान ओपन करेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 25 रन, फिर यहाँ पे 6 रन बनाया हुआ है, ये दोनों के दोनों ओपनर बैट्समैन को जरूर ट्राई करना है। यासिर कलीम फर्स्ट राउंड पर खेलेंगे, तो ये 3 बैट्समैन, ये 3 प्लेयर आपके टीम के अंदर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी वसी शाह की बात करेंगे, 4 नंबर पर खेलते हुए पहले मैच के अंदर 19 रन, फिर 3rd डाउन पर खेलते हुए दोस्तों 2 रन स्कोर करा था, 1 ओवर की बॉलिंग किया था लेकिन 1 विकेट यहाँ पे निकाले हैं। बाकी अमित खान की बात करते हैं, 2nd डाउन खेलते हुए पहले मैच के अंदर 30 रन बनाया, फिर 4 नंबर पे खेलते हुए 8 रन स्कोर करा है, इनका रिकॉर्ड उतना बेटर है नहीं। बाकी अगर आप देखोगे तो रियासत के बारे में 6 नंबर पे खेलते हुए दोस्तों पहले मैच के अंदर 14 रन स्कोर करा है, 1 ओवर की गेंदबाजी में ये फ्लॉप रहे थे। उमर अली 3rd डाउन पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 39 रन स्कोर कराया दोस्तों, यहाँ पे 3 विकेट निकाला हुआ, फिर 5 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए थे, 0 रन बनाए थे, यहाँ पे बैटिंग इनका काफ़ी मजबूत है दोस्तों, और बॉलिंग से भी काफ़ी बढ़िया पॉइंट्स निकाले हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे, काफ़ी लोग वाइस कैप्टनसी के लिए इनको ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेट बैटिंग करेंगे, मतलब मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करने के लिए दिखेंगे। हाँ, T20 का मैच है, 3-4 नंबर मायने नहीं करता है, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वाइस कैप्टनसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद अजहर 3 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट पहले मैच के अंदर निकाले हैं, फिर 4 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट यहां पे मिला था, बहुत बेहतर गेंदबाजी है करते हैं दोस्तों, डेथ ओवर का गेंदबाज है, तो आप इनको जरूर ट्राई करना है FM की टीम की तरफ से। मोहम्मद उजैर खान पहले मैच के अंदर 33 रन स्कोर कराए, फिर यहाँ पे दोस्तों 4 ओवर की गेंदबाजी में 3 विकेट निकाले हैं, इनका भी बॉलिंग बहुत ही शानदार रहा है, लेट बैटिंग करते हैं लेकिन बॉलिंग के मामले में देखोगे तो बहुत ही बेहतर है। आसिफ मुमताज 4 ओवर की गेंदबाजी में पहले मैच के अंदर 1 विकेट, दूसरे मैच के अंदर 3 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला हुआ है। शेफ 2nd डाउन पर खेलते हुए 4 रन स्कोर कराया है। तसावर जम्मू की बात करते हैं तो 18 रन पहले मैच के अंदर 2 विकेट निकाला है बॉलिंग से,
से। बाकी ताहिर लतीफ यहाँ पे 2 विकेट निकाले हैं 4 ओवर की गेंदबाजी में दोस्तों, तो आप इनको एज ए बॉलर ट्राई कर सकते हो, ये भी अपने स्पेल के 4 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो 4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं उनको जरूर ट्राई करना, जो अच्छे गेंदबाजी कराए हैं अच्छे विकेट्स निकाले हैं अपने टीम के अंदर जरूर ट्राई करना, और टीम के टॉप ऑर्डर पर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं अच्छे फॉर्म से आप उनको भी अपने टीम के अंदर जरूर लेना। लेकिन SBD का रिकॉर्ड एक बार देख लो, फरहान अली ये दोस्तों जो है ना इनका T20 फॉर्मेट अगर आप देखोगे 51 मैचेस खेला हुआ है, 266 रन प्लस 65 विकेट्स हैं। बाकी 2022 यानी कि अगर इस ईयर में देखोगे तो पहले मैच के अंदर 4 रन, फिर 18, फिर 41, फिर 8 रन स्कोर करा है। बाकी मोहम्मद कसीफ की बात करते हैं तो 17 मैच के अंदर 31 रन स्कोर करा है प्लस यहाँ पे 17 विकेट्स निकाले भी हैं। पहले मैच के अंदर 3 रन, फिर 44 रन, फिर 41 रन स्कोर करा है। फरहान अली ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों इनके खेलने के भी थोड़ा कम चांस है, ध्यान रखना। बैटिंग में फारूक मोहम्मद जो कि रिसेंट स्कोर देखोगे दोस्तों पहले मैच के अंदर 14 रन प्लस 1 विकेट, फिर 21 रन, फिर 26 रन प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ पे दोस्तों 2 रन प्लस 2 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 64 रन स्कोर करा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी मोहम्मद शाकिर अफरीदी की बात करेंगे तो पहले मैच के अंदर 53 रन स्कोर करा है, फिर दोस्तों यहाँ पे 20 रन बनाए हैं, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 5 रन, फिर 11 रन, इनका भी रिकॉर्ड बेटर है, आप इनको जरूर ट्राई करना है। शहजाद अली पहले मैच के अंदर 4 रन, फिर यहाँ पे 41 रन स्कोर करा, फिर 3 रन, फिर यहाँ पे 53 रन, लास्ट मैच के अंदर 5 रन बनाया हुआ है। हैदर अली की बात करेंगे दोस्तों पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर यहाँ पे 2 विकेट, फिर 4 रन प्लस 1 विकेट, फिर 2 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाले हैं। देखो ये बल्लेबाजी सेक्शन में आपको नजर आएंगे, लेकिन बॉलिंग जो है ना दोस्तों इनके अपने साइड से 4 ओवर तक बॉलिंग कन्फर्म करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि T20 में देखोगे दोस्तों बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करा है दोस्तों 2022 के अंदर। बाकी लहरों की बात करेंगे दोस्तों तो ये पहले मैच के अंदर 4 रन, फिर 1 रन, फिर 12, फिर यहाँ पे 1 रन, फिर 16 रन प्लस 2 विकेट, आप इनको चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बॉलिंग नहीं करते हैं, बॉलिंग देख सकते बहुत रेयर करते हैं मेरा मतलब है। बाकी देख सकते हैं स्टार्टिंग के 4 मैचेस के अंदर 2022 में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे फॉर्म गड़बड़ रहा है इनका, 4 रन, 2 रन, 1 रन पे आउट रहा है आप देख सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे मोहम्मद शाकिर खान 4 मैच के अंदर 107 रन, लेकिन 2022 के अंदर बहुत ताबड़तोड़ बॉलिंग करा है, पहले मैच के अंदर 1 रन प्लस 1 विकेट, फिर 13, फिर 3 रन प्लस 1 विकेट, फिर 21 रन प्लस 2 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 14 रन प्लस 3 विकेट निकाला हुआ है। तो गेंदबाजी इनका कंफर्म है कि 2 ओवर तक आपको बॉलिंग करते हुए 4 ओवर तक बॉलिंग करते आपको दिख जाएंगी। मोहम्मद जमीर पहले मैच के अंदर 19 रन प्लस 1 विकेट, फिर 51 रन प्लस 2 विकेट, फिर 10 रन, फिर 1 रन प्लस 5 विकेट निकाले, फिर 9 रन प्लस 2 विकेट। दोस्तों ध्यान रखना डीथ ओवर गेंदबाज है SBD की टीम की तरफ से, ये अपने कोटा के 4 ओवर कंप्लीट करेंगे दोस्तों, इनको जरूर से जरूर ट्राई करना है अपनी टीम के अंदर। वहाब हसन इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, पहले मैच के अंदर 1 रन, पहले दूसरे मैच के अंदर 12, फिर 4, फिर 21, फिर 10, 1 विकेट। बाकी मोहम्मद हैदर की बात करेंगे दोस्तों पहले मैच के अंदर 1 रन, फिर 4 रन, फिर 4 रन, फिर 13 रन, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं दोस्तों। बॉलिंग में देखेंगे शाहिद नवाज पहले मैच के अंदर 7 रन प्लस 1 विकेट, फिर 14 रन प्लस 1 विकेट, फिर 3 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर इन्होंने 7 रन प्लस 1 विकेट निकाले, ये भी टीम के 4 ओवर गेंदबाजी करेंगे। अब्दुल जफर इनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे पहले मैच के अंदर 37 रन, फिर 31 रन, फिर 4 रन प्लस 1 विकेट, फिर 16 रन प्लस 3 विकेट, और लास्ट मैच के अंदर 36 रन प्लस 3 विकेट निकाले हैं। दोस्तों ये भी कंफर्म है आपको 4 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। लेफ्ट आर्म फास्टर गेंदबाज है दोस्तों, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करेंगे SBD के टीम के अंदर, दोनों के दोनों टीम के इंपॉर्टेंट गेंदबाज है। बाकी अजमाल खान का रिकॉर्ड देखोगे 2 ही मैचेस 2022 के अंदर खेला है, 1-1 विकेट निकाला हुआ है। हाफिज आलम जो कि पहले मैच के अंदर 22 रन प्लस 3 विकेट, फिर 4 रन प्लस 1 विकेट, फिर 9 रन प्लस 3 विकेट निकाला है, ये भी गेंदबाजी आपको करते हुए दिख जाएंगे। यानी SBD की टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 5 बॉलर्स इस मैच के अंदर खेलते हुए दिखेंगे, जिसमें से 2 ऑलराउंडर शामिल है दोस्तों, आपको बैटिंग भी करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों FM और SBD के, सारे स्टैट्स आप देख सकते हो बैटिंग ऑर्डर के साथ, इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए दोस्तों आप प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर आप ले सकते हैं जिसका भी रिकॉर्ड शानदार है। हालांकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तैयार किया हुआ है, एक बार टीम देख लो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों वाई कलीम के बारे में, FM की टीम की तरफ से ये टीम के टॉप ऑर्डर पे खेल रहे हैं, इस वजह से इनको ट्राई करेंगे। बाकी का रिकॉर्ड देखोगे तो विकेट कीपर में कुछ सोचना नहीं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ बैटिंग में रहा बात तो SBD के टीम की तरफ से दोनों खिलाड़ी का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है, और दोनों के दोनों आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, तो इन दोनों को तो जरूर से जरूर ट्राई करना है। बाकी एच खान को मैं ट्राई करूंगा FM की टीम की तरफ से, ये दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों, लास्ट मैच के अंदर भी काफ़ी बढ़िया खेला है। देखो आसिफ खान भी टीम के टॉप ऑर्डर पर लास्ट मैच के
अंदर खेलते हुए आ रहे थे दोस्तों, लेकिन इनको ड्रॉप करना पड़ रहा है क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों पांच खिलाड़ी लगभग इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैंने चार ही को लिया हुआ है क्योंकि चार से ज्यादा आप ले नहीं पाएंगे। तो फिर भी आप यहाँ पे दोस्तों आसिफ खान को ड्रॉप करने के बाद आप ऑलराउंडर सेक्शन में कवर कर पाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस मैच के अंदर दोस्तों आसिफ खान को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराउंडर में देखेंगे तो मैंने चार ऑलराउंडर को लिया हुआ है, यू अली शामिल है दोस्तों, आर मुस्तफा, ये दोनों के दोनों खिलाड़ी लास्ट मैच के अंदर बैटिंग बॉलिंग दोनों से काफी बढ़िया पॉइंट्स दिया हुआ है। बाकी एम सागर, यहाँ पे अगर आप देखोगे एम जमीर, देखो दोनों के दोनों जो प्लेयर है ना दोस्तों आपको चार ओवर तक बॉलिंग फिक्स ही करते हुए आपको दिख जाएंगे, और मैंने पहले कहा था कि पांच बॉलर लगभग एसबीडी की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर खेलते हुए दिखेंगे, जिसमें से दोनों शामिल है, आपको बल्लेबाजी भी करते हुए दिख जाएंगे। बाकी का रिकॉर्ड यहाँ पे आपने देखा है, टी लतीफ लास्ट मैच के अंदर बढ़िया खेला, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी मैं फिलहाल ड्रॉप करूंगा या फिर टी जम्मू को भी ड्रॉप करूंगा क्योंकि चारों का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बेटर है दोस्तों। बॉलिंग में देखोगे तीन बॉलर को मैंने लिया हुआ है, एफएम की टीम की तरफ से दो गेंदबाज को मैंने लिया हुआ है, चार ओवर का कोटा कंप्लीट करेंगे। बाकी इस जफर को मैं ट्राई कर रहा हूं, इनका भी रिकॉर्ड काफी शानदार है। एस नवाज, ये भी आपको दोस्तों कंप्लीट चार ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे ए मुमताज लास्ट मैच के अंदर बढ़िया खेला लेकिन फिर भी ड्रॉप करना पड़ रहा है दोस्तों, अगर आप चाहें तो ए खान यहाँ पे दोस्तों एच आलम्स को ड्रॉप कर सकते हैं, दोनों का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। अब रहा टीम प्रीव्यू की बात, तो मेरा टीम आप देख सकते हैं, आर मुस्तफा को मैं कैप्टनसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ और वाइस कैप्टनसी के लिए एफ मोहम्मद को ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से रिकॉर्ड इनका ना बेटर था 2022 के अंदर, इस वजह से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इस टीम को सेव कर लो और लाइनअप का वेट करना, आफ्टर टॉस अगर एक दो प्लेयर चेंज होता है तो फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है आपको। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं दोस्तों पहला कमेंट पे लिंक आपको पिन कर दिया, आप क्लिक करके ईजी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।